मुझे फंसाने की सजा मिली है तुम्हें बरखा। इसे देखो, हम इसे मठ के अंदर ढूंढ रहे हैं और ये बाहर से आ रहे हैं। अरे वो भी अकड़ के साथ कार का भूपू बजाते हुए। बरखा को ऊपर पहुंचा के आ रहा हूं मैं। आज मेरी जीत का दिन है। अब मेरे राजपुरोहित बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। वो मठाधीश भी मेरे साथ में, कितने सम्मान के साथ उसने मुझे गाड़ी की चाबी दी थी। गाड़ी की चाबी। आप नहीं जानते कि आपने मेरी मदद करके कितना बड़ा काम करवाया है। मैं आपकी तरक्की जरूर करवाऊंगा। आपको सिर्फ इस मठ का नहीं बल्कि हमारे सब मठों का मुखिया मठाधीश बना दूंगा। टींगे बाद में हाकिएगा, पहले ये बताइए कि आपने मठ से बाहर जाने की हिम्मत कैसे की? क्या आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मठ के नियम भंग कर सकते हैं? एक तो आप मठ के बाहर गए और वो भी मठ की गाड़ी लेकर, और ये क्या हालत बना दी गाड़ी की? ये गाड़ी समाज सेवा के लिए उपयोग में ली जाती है और आप इससे सैर करने चले गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ही ने तो मुझे चाबी दी थी। इतना बड़ा झूठ! सच कहा है किसी ने, करेले को दिन भर शक्कर के घोल में डुबा कर रखो तब भी वो कड़वा ही रहता है। लगता है मठ के कार्य करने का जो दंड आपको दिया गया है वो आपको सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। कल से आप केवल मठ में ही नहीं बल्कि गांव-गांव में घूमकर सफाई करेंगे। तपती हुई धूप में जब नंगे पांव घूमेंगे ना, तब आपके सर से सैर करने का ये भूत उतरेगा। होना जी, नजर रखना इन पर जी। हरकत इन्होंने आज की है वो फिर से ना करने पाए। ले जाओ इन्हें। हरीश पागल हो गया है क्या? या फिर राजपुरोहित के मरने की खबर इस तक पहुंच चुकी, तभी बौखला गया है। बौखला तो आप गए बंधु अपनी सजा सुनकर, तभी तो राजपुरोहित जी के बारे में आप अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अरे तुम ले चलो, जाने दो,
जल्दी खबर मिल जाएगी तुम लोगों को। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है, इसलिए मैं तुम लोगों की ये बेवकूफी माफ करता हूँ। जाओ, भाभी राजप्रिय विराट ने तुम्हें माफ किया, तुम्हारी राजप्रियताएं मर चुकी है। ये तो पूरी तरह से पगला गया है, मरे राजपुरोताहिन जी के दुश्मन। ये भगवान, राजपुरोताहिन जी का ख्याल रखना। अभी के लिए इतना दंड काफी है बरखा। ये तो किसी का हाथ है। अरे सुनो भाई, अरे जल्दी आओ, शायद कोई अंदर है। अरे निकालो जल्दी। बचा लिया इसलिए तो अब तक जिंदा हो, वरना कब की मर गई होती। और धन्यवाद करने की बजाय उल्टा हम ही को गाली सुना रही हो। मैं जानती हूँ तुम सबने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी, क्योंकि तुम सब मुझे मारना चाहते हो। किससे पैसे दिए तुम्हें, हाँ, रोहन ने या फिर उस नकली राधिका ने? तुम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, देख लेना। अरे चलो भाई निकलो यहाँ से। अरे पता नहीं कौन है ये और कहां से आई है। अरे बिना बात का कब से धमकी दिए जा रही है हमको। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, सबको सिर फोड़ दूंगी अभी के अभी, सबको सिर। अरे भाइयों, मैंने तो सुना है शाम के समय यहाँ पेड़ों से भूत और चुड़ैल उतरती है, और अब तो सूरज भी ढल रहा है। चलो चलो चलो, चलो यहाँ से निकलो यहाँ से। अरे सूरज डूब रहा है, मुझे घर पहुंचना होगा वरना देव उस नकली राधिका को स्वीकार कर लेगा। बार मैं घर पहुंच जाऊं फिर मैं उस नकली राधिका को छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी उसकी। अच्छा,
इस बार कैसे लोगी उसकी जान? कुछ सोचा है तुमने? मुझे पता था तुम मुझे मारने की कोशिश करेगी। क्या सोचा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? नहीं, तुझे मारने से पहले मरते मरते बची हो, फिर भी इतनी अकड़। तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगी। अभी तो तुम्हें अपने सारे पापों का गिन गिन के हिसाब देना है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था कि कैसे पापों की सजा मिलती है। कैसा लग रहा था तुम्हें जब तुम दफनाई जा रही थी? राधिका का बदला? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? राधिका से ही पूछ रही हो कि राधिका का उससे क्या रिश्ता है? ये नाटक तुम बाकी घर वालों के सामने करना, मेरे सामने नहीं, समझी? तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना? अब देखना देव कैसे धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर करता है। अगर मैं देव को असली राधिका से नफरत करने पर मजबूर कर सकती हूं तो तुम तो नकली राधिका हो। अब तो तुमने मेरा काम और आसान कर दिया है। पहले तुम्हें घर से बाहर कर दूं, फिर इस दुनिया से ही बाहर कर दूंगी। उसके लिए तुम्हें घर जल्दी पहुंचना होगा। सूरज डूबते ही देव राधिका को अपना लेगा। समय बहुत कम है तुम्हारे पास राधिका को गलत साबित करने के लिए। छोटी माँ, बोलो भला, हमने घर के सारे कोने कोने छान लिए लेकिन राधिका कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी? भूत है, किसी पेड़ से उल्टी लटकी हुई होगी। गौशाला में देखा क्या? क्या कहती है वहाँ की हवा? हाय राम, ससुर जी, वहाँ की हवाएं भी कुछ नहीं कहती। राधिका वहाँ पे भी नहीं। कहाँ गया होगा काना? आपको कुछ पता है दाई माँ? शायद मंदिर गई रही होगी भगवान से आशीर्वाद लेने। आजू के जीवन की नई शुरुआत हो रही ना? सब केवल राधिका के बारे में ही पूछ रहे हैं। बरखा की कोई चिंता ही नहीं है किसी को? अरे वो सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई है। हमें बरखा की चिंता क्यों होनी चाहिए छोटी? वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। वो राधिका की परीक्षा लेना चाहती थी और जब राधिका परीक्षा में खड़ी उतरी है तो उसे माफ करने के बजाय किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई। ये कैसी हरकत है छोटी माँ? आने दो उसे, बहुत सारे सवालों के जवाब देने उसे। छोटी माँ, पानी लेकर आओ। परखा, 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 परखा।
बरखा मोहिनी रोहन मदद कर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई मेरी किस्मत में शायद यूं ही जीना लिखा है भगवान ने छोटी माँ इस तरह बार बार मौत के मुंह से बचकर आना उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं बरखा ऐसा नहीं कहते बताओ तो हुआ क्या है बोलो बरखा क्या हुआ था सुबह आपसे और राधिका से बात करने के बाद मैं कान्हा मंदिर गई थी ये और कान्हा मंदिर अब ये कौन सी नई कहानी है मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था ये सोचकर कि राधिका के लिए क्या निर्णय लूं उसकी खुशी के लिए इसलिए मैंने सोचा कि खाना ही मेरी सवालों के जवाब देंगे फिर कान्हा का नाम लेकर झूठ बोल रही है कब सुधरेगी ये बरखा पर मेरी भावनाओं को ना ही कभी राधिका समझ पाई है और ना ही आप तो को का कहनो है बरखा साफ साफ बता साफ साफ सुन सकते हैं आप लोग हिम्मत है तुम बताओ तो तुम कहना क्या चाहती हो मैंने कान्हा मंदिर में तय कर लिया था कि मैं राधिका को माफ कर दूंगी जबकि मेरा दिल कभी मानने को तैयार नहीं था कि वो बदल गई है पर मैंने ये फैसला लिया देव सिर्फ आपकी खुशी के लिए जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो मुझे राधिका मिली और उसने मुझे धमकी दी कि अगर आज शाम मैंने सबके सामने उसे माफ नहीं किया तो वो मुझे जान से मार देगी राधिका का ये रूप देख के मैंने अपना निर्णय बदल दिया मैंने उसे कहा कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी फिर राधिका ने गुस्से में आकर मुझ पर वार किया मैं अपनी जान बचा के वहां से भागी तो उसने अपनी गाड़ी से मेरी गाड़ी का पीछा किया और फिर मेरी गाड़ी को ठोकर मारी और मेरी गाड़ी खाई में गिर गई वो तो अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी से कूद गई वरना आज मेरी लाश खाई में पड़ी होती आज मैं भी खाई में मर जाती अरे झूठी खाई में तो तूने राधिका की लाश को गाड़ा था ये यहाँ कौन सी कहानी सुना रही है मैं कान्हा मंदिर गई थी शायद इसलिए कान्हा ने मुझे बचा लिया सच में कान्हा ने ही तेरी जान बचाई है तुझे मरने दिया होता तो अच्छा होता आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना देव हाँ बरख मुझे तुम्हारी बात क्या तुम्हारे कहे एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है